क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं उन व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस आंदोलन में रहा, और रहा क्या मतलब मैं एक प्रेरित हुआ मैं उससे कि सन 2011 जो अन्ना के नाम से जिसको अन्ना का नाम दिया गया था सन 2011, तो मैंने भी हाँ मुझे भी लगा कि व्यवस्था बहुत बदलने वाली है, लेकिन अब ये लग रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये उस आंदोलन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो पूरे देश में चल रहा है ये आंदोलन, ठीक है। और अब मुझे भी ये लगता है कि अन्ना सिर्फ ना के एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक सामाजिक को एक दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक प्रायोजित कार्यक्रम था उनका, यूपीए सरकार गिराने के लिए वो आए थे, अदरवाइज उनका कोई मकसद नहीं था। क्योंकि आज उनको ये इतना बड़ा आंदोलन जो 200 से भी ज़्यादा जो किसान या जिनकी शहादत हो चुकी है, जो मृत्यु हो चुके हैं, लेकिन आज तक अन्ना, हाँ एक बार स्टेटमेंट आया था उनका, मैंने भी देखा था कि अन्ना किसान के आंदोलन में आ रहे हैं, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक आंदोलनकारी है वो, लेकिन बीच में कुछ ऐसी खबर आई कि फंडावीस उनसे जाके मिले, तो अब फंडावीस उनसे जाके मिले क्यों, बैक कॉल कर लिया उन्होंने, ये अगर बैक कॉल किया है तो किस कारण से किया है वो पब्लिक को जरूर बताएं, क्या उनके बीच में बात चली वो भी पब्लिक को बताएं, क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, अन्ना जी जो हैं ट्रांसपेरेंसी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इसलिए उनको बताना चाहिए कि फंडावीस क्यों मिले उनसे, क्यों नहीं आ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है अन्ना जी, आपका जो है बहुत बड़ा जो एक नाम है, उस नाम को बिल्कुल आना चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है, उसके लिए समाज में जो गलत हो रहा है उसके लिए, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपने आने के लिए अलाउंस किया तो कुछ सोच के किया ना, अब जो बैक कॉल कर गए आप तो उसके लिए भी बताइए क्यों बैक कॉल किया आपने, बताना तो पड़ेगा ना, जनता को बताना पड़ेगा कि मैंने इस वजह से बैक कॉल किया, वो तभी बात साफ हो पाएगी कि इसलिए बताएं ना, सही जनता को तो बताएं, इसी जनता ने आपका सहयोग किया था यूपीए सरकार गिराने में ले। अब आप ये बात करते उसकी फंडिंग की, तो एक बात बताइए कि उस टाइम क्या आरआरएस ने फंडिंग नहीं की, अन्ना की रसोई चल रही है, तमाम वो जो चल रहे थे वो खाने खुने का बंटवारे का काम चल रहा था, क्या अन्ना जी के पास इतना फंड था? नहीं था, सिर्फ वो भी फंडिंग जो है आरएस की फंडिंग थी, वो अन्ना की फंडिंग नहीं थी, क्योंकि अन्ना तो कहते हैं मेरे पास तो एक कटोरी है, एक गिलास है, एक चटाई है, मैं तो मंदिर में सोता हूँ, करोड़ों रुपए की योजनाएं अपनाई की, लेकिन एक रुपये भी मेरे अकाउंट में नहीं है, तो उनके पास पैसा कहाँ था, उनको भी तो कोई फंडिंग कर रहा था ना उस समय में। बिल्कुल आना चाहिए, सवाल वही है, सवाल वही उठता है कि उन्होंने अलाउंस क्यों किया और बैक कॉल क्यों मारी उन्होंने, सवाल वही उठता है ना मन में, तो सवाल उठता है ना कि उन्होंने फिर रिकॉल क्यों कर लिया अपने आप को, जनता को बताएं कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूं, मुझे बांध रखा है, मुझे रोक रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, बताएं ना जनता को, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, मजबूरी क्या है। सर एक सवाल है, जिस तरीके से आपने से नाराज लग रहे हैं आप लोग, लेकिन वही अगर चुनाव की बात आते हैं तो चुनाव में यहाँ पर किसान आंदोलन 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 103 दिन हो गए आज। वही बंगाल में नरेंद्र मोदी का महारैली है, कुछ किस नजर से देख रहे हैं किसान बैठे हुए वहाँ पर, चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए ये तो मैं जो देख रहा हूँ ये पूरा देश देख रहा है, जो करनी और कथनी में जो फर्क है इनके, पूरा देश देख रहा है, और आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा, वहाँ की जनता पता लग जाएगा कि उसका जो मैंडेट है क्या है, ये पता लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ।